मिस्टर रिजवान असद जी, क्या अपडेट है भाई मंसूर खान का कोर्ट में जाने के बाद? कल मंसूर खान को जो दिल्ली में दिल्ली से आज बेंगलुरु लेके आए और बेंगलुरु लेने आने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया और कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को 3 दिन की कस्टडी दी गई है। अच्छा। और एसआईटी वाले ने भी कस्टडी पूछी और कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टर की काउंसिल की बात सुनकर 3 दिन कस्टडी दे दी है एनफोर्स डायरेक्टर, ताकि जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था दिल्ली से वो कम्प्लीट हो सके। ओके, तो अभी ईडी को दिया गया है, ईडी का 3 दिन का खत्म हो जाएगा, उसके बाद एसआईटी के पास जाएंगे, करेक्ट ना? फिर दोबारा कोर्ट को लेके जाएंगे। हाँ। और दोबारा कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा और उसमें अगर ईडी को दोबारा कस्टडी चाहिए तो या एसआईटी को चाहिए वो कोर्ट डिसाइड करेगा। 3 दिन के बाद फिर दोबारा कोर्ट लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने सामने मंसूर खान को अपने आंखों से वहाँ पे देखा क्या? हाँ, बर्थडे का, और बहुत अफसोस की बात हुई कि उनके चेहरे पे ना कोई दुख था, कोई ना अफसोस था, और वो खुशी खुशी एक हीरो की तरह चलते आ रहे थे। ये नहीं सोचे कि वो इतने लोग को धोखा दिए, इधर से भाग के कितने लोग को तकलीफ में डाले, कितने लोगों का पैसा लेके भागे, और वो उनका लिबास भी और रंग और रूप बदल गया था। वो जो उनका ट्रेडिशनल मार्क जो छुपा टोपी थी नहीं थी, आज टोपी में भी जींस पैंट और टी शर्ट पहन के आए। हमारे पास विशूज भी है, आप देख सकते हैं। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि बिजनेस खत्म तो लिया, लिबास भी बदल गया? हाँ, बिजनेस खत्म, लिबास खत्म, और वो उनको कानून वो अच्छा जानते हैं, उनको मालूम है कि कानून इनकी हिफाजत करेगा और कानून में जो जितने भी लूप होते हैं उनको टैप करने की कोशिश करेंगे। और आज मंसूर का लॉयर भी नहीं था, कोई रेफरेंस लॉयर भी नहीं था उनके लिए। हाँ, तो बात है कि कानूनी तौर पे अगर पेपर आप देखेंगे जहाँ तक अभी का ये है, तो उसमें तो काफी मजबूत है ना, क्योंकि आप लोग जो एग्रीमेंट इन्वेस्टर साइन किए हैं वो सब में तो आपको ये तो आपने मंजूरी दी है ना कि भाई अगर कंपनी में लॉस होता है और कुछ होता है तो उसके आप भी हकदार हैं। जी, आप ये एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब नागराज एसी जो अभी गिरफ्त में है, उन्होंने जब नोटिस इशू की थी मंसूर के खिलाफ और वो पेपर में नहीं आई, उर्दू अखबार में नहीं आई, वो ये बोलकर ये किया कि मंसूर इज डूइंग लीगल बिजनेस बिकॉज ही इज नॉट कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इन्वेस्टर, ही ऑल आर हिज पार्टनर्स, तो वो आ गया और कोई कंप्लेंट नहीं है मंसूर के खिलाफ, पहुंचे वो एनओसी दिया 4.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर। ठीक है, ये सारी चीजें तो लोगों के सामने है, तब ये देखना पड़ेगा कि ये 3 दिन के कस्टडी में ईडी की तरफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है बाहर और आगे क्या कार्रवाई होती है। और तरफ बात है कि कल दिल्ली में भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, तो उस वही सिलसिला इधर बेंगलुरु में रिकॉर्डिंग करके और वो जो जो इन्फॉर्मेशन काटना है और जो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को पता है वो पूछताछ करके फिर दोबारा कोर्ट में आएंगे। कोर्ट फिर फैसला करेगा कि एसआईटी को देना है या इनको ईडी को देना है। क्या लगता है अभी आपकी ईडी के करने के वजह से कुछ बड़े लोगों की गिरफ्तारी होने का चांस है या कुछ नहीं होगा? नहीं, उनको जेआईपीडी एक्ट में भी कोर्ट में लेके आए, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पड़ा है और उनके ऊपर इनकम टैक्स भी एक्ट पड़ेगा और एनफोर्समेंट डायरेक्टर का एक्ट भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज मंसूर के हैं वो एसआईटी ने पकड़कर फैसला किया कि डिस्प्यूट करना है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, वो कोर्ट के थ्रू ही जाना है। और जितने भी अभी कंप्लेंट जो भी देखे हैं वो सब कंप्लेनेंट मंसूर को सिर्फ 420 साबित करने के लिए है और मंसूर के खिलाफ है, कोई रिकवरी की कंप्लेंट नहीं किया है। ये बात मेरे को जॉयर ने कहा है कि अगर पूरी मंसूर की प्रॉपर्टी पकड़कर और पूरी मंसूर की जितने भी जो है वो जो भी जेवरात पकड़े उसके बाद नहीं कंप्लेंट देना है, पेपर में नोटिस आएगी 30 दिन के अंदर, जो भी इन्वेस्टर है वो तुम्हारे पुराने डॉक्यूमेंट लेके आओ, क्या क्या है और क्या नहीं है, उसके बाद कोर्ट फैसला करेगी कि आपको क्या देगी। तो अभी जो भी जितने भी कंप्लेंट दे कमर्शियल चीट पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ 420 मतलब फरार हो रहा है और 420 का केस है, रिकवरी ऑफ और इन्वेस्टमेंट अभी वो कोई केस नहीं दिया, वो नया केस दर्ज कर रहा है।
हाँ, लेकिन ये काफी लंबा प्रोसेस है, ये बोलना इस वक्त एकदम सही नहीं हुआ कि लोग जैसे सोच रहे हैं कि मंसूर खान आ गए हैं और तुरंत विदिन 10 डेज और 1 वीक में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। लीगल बैटर है, काफी लंबा चलेगा। नहीं नहीं, आप देख रहे हो कि एम्बुलेंस का इससे पहले एम्बुलेंस का केस हुआ था तो आज भी चल रहा है। वो शख्स बड़ी बेल पर आराम से घूम रहा है। इतना आसान है हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम में इतना जल्दी फैसला नहीं होता। इंशाल्लाह देखेंगे कि IMA के केस में अगर गवर्नमेंट चाहिए और जुडिशियल चाहिए तो जल्द से जल्द हो सकता है। मिनिमम अगर देर हुई तो 1 साल की देर हुई, 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रिजवान साहब आपको अपडेट देने के लिए। जी शुक्रिया।